₹85। बेटा अब आप पे रहेंगे ₹15। बस ठीक है, वो ₹35। चल ठीक है। आपको भी कुछ लेना देना आंटी दे रहे दे रहे आंटी पैसे आपका कहीं जाने मार हो रहा। सही बताओ आप कब मिलेंगे पैसे? ठीक है ये है छोटा सा पिल्ला, मैंने इसका इलाज किया था, इतना सा था, इतना सा गिली हो गई थी इसके, और तब से जो है मेरे चिपटता रहे। वही खोला गया, इसका भी इलाज किया था मैंने, इसकी पूरी वीडियो है, इसके लिए कोई मक्खी हो रही, इसको भी से दवाई दूंगा। छोटा सा था ये भी, इतना सही नहीं मिला था, इसके जो है प्राइवेट पार्ट पे जख्म हो रहा था जब मैंने इसका इलाज किया था, और यहाँ खोपड़ी में वीडियो है, इसकी वीडियो जो देख रहे हैं ना आप, ये वीडियो इसी है छोटी सी पिल्ले की। सर पी लेंगे बस? हाँ। सर गन्ने के दर पीगा? हाँ, 16-17 हज़ार रुपये के गन्ने के रहे, 7 हज़ार रुपये का बीच बच्चा है। अभी होश में होगा नहीं जो अपने पैसे कहूँ मैं, इस पता ले ला। आप पैसे देंगे लिखने? लिख लो फिर ले ली। जोगिंदर भैया ताला लग रहा, कोई नहीं है। लो भाई एक दोस्त और मिल गया अपना, डिलीवरी दवाई दूंगा उसको भी। लड्डू में दोस्त को दवाई खाली, इसने भी हेलो कर दे। हाँ जी, ये नहीं करता हेलो। सरफ की थैली लो, अब जैसे कुत्ता ना पीछे पीछे फिर हो जा गया, जब भी अब अगली बार मिलेगा, क्योंकि लड्डू में दी दवाई इसको, तो दवाई के हिसाब से वो लड्डू के हिसाब से सोचा कि कुछ स्पेशल मिठाई दी, अब जब भी अगले हफ्ते मिलेगा ये पीछे पीछे फिरता रहेगा। लो भाई पैसे मांग रहा है, खड़ा कर गया ना तेरा काम क्यों है नहीं। पैसे तो यार दे तो देता मैं, तो दुकान वाला लूट लगा, पता तो है नहीं 50 का कितने का है वो। ठीक है जब वो 50 का रख के तो ये गद्दा पप्पा पप्पा दे देगा, अभी नया कर रहे सभी, ये लूट लगा वो अभी तो पता नहीं ये 50 का है 10 का। ठीक है मेरे पास 37 हो रहे हैं, 37 घर पे तो 37 कुत्ते हो रहे हैं, पीछे छोड़ ही नहीं रहा यार, बता सब जा पैसे मांग रहा है वो, पैसे की कर दे तू उसे, पैसे ले तू है वो चिज्जी मेरे पे है नहीं कुछ, जा चला जा बता रहा। 390 रुपये हो रहे आप पे, 390। आम का अचार, गाजर का अचार, मिर्च का अचार, बतेली चाहिए था पैक कर रखा अपने अचार के डब्बे हैं, बहुत बड़े डब्बे कर रखा, कितना है 1 किलो में, 2 किलो में, 200 ग्राम। हाँ कुछ प्रोग्राम है क्या? मेरी प्रोग्राम था, कभी दावत करते होंगे
नहीं भाई कुछ स्पेशल हो कोई। एक दोस्त और मिल गया मेरा, देखो एक और आ गया, इसका भी मैंने इलाज किया था छोटा सा भाई। अब जो है सर अभी लड्डू मैं दवाई दी थी, अब ये भी जो है लड्डू के चक्कर में मेरे पास आता है कि भाई कुछ खाने को देगा। जो भी बिके हैं बताइए। 1530 रुपये 1530 ही हैं, 800 रुपये पहले रह रहे मान इनके भाई बहुत हो रहे हैं, उन पर हो रहे हैं 8150 रुपये बताओ। 16-17 हज़ार रुपये दोनों आदमियों पर हो रहे जो पहले रुके हुए। हाँ ये बात के 1500 रुपये बंदे जो 800 रुपये पहले रह रहे हैं। चलो देख फोन लगाओ दे के भैया, चिड़िया है इसका नाम, चिड़िया है, चिड़िया चिड़िया है। चल करो बाल बनवा ले, कस्टमर है देखो कितने रुपए पड़े इन पे, बस बेवकूफी की वजह से चले गए। ये है मना आंटी। हाँ जी क्या कह रहे, देखो भाई पुलिस इंस्पेक्टर खुद जी कहाँ स्कूल में कुछ प्रोग्राम है क्या इसका? नहीं देखियो स्कूल में नहीं आया, बढ़िया लग रही यही दिखा कर दिया था फिर वो खड़ा कर दिया था ना, मैं तो फौज जी के दूंगी। ईद पे लाई थी है, देखो इसकी कितनी बढ़िया सोच है, इतना जो है फौज जी की ड्रेस ली लड़की ने, देखो मैं फौज जी बनूंगी आगे, फौज जी बनेगी। अरे वाह इसका फ्यूचर का सपना फौज जी बनने का, इसका नाम है जोधा। जोधा जोधा ने इसका नाम सुना, वाह जोधा तो इसका नाम सुना है, इसके जैसे एक और है बिल्कुल जुड़वासी है। मेरे पास मोमडन और हरिजन कस्टमर ज़्यादा हैं, सारे कस्टमर तो मोमडन और हरिजन ही हैं, तो मुसलमानों का ज़्यादा आने जाना होता है, सभी लेन देन से होता है क्योंकि इनका रोज का करना खाना होता है ज़्यादातर ना, तो कस्टमर जो है सारे यही हैं। अरे अली क्या हाल है? क्या देखो मेरा दोस्त है अली, अली सुनिए देखो मेरा दोस्त है भैया अली, क्या हाल है? अरे मेरा हाथ तो मिला ले, मेरा दोस्त है अली, छोटा सा था ये भी इसके जबकि मतलब काफ़ी सालों से आ रहा, इसके फोटो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगी तेरी ये ले। हेलो दोस्तों आज का ब्लॉग यहाँ पे अपना ख़त्म हुआ, तो कुल मिला के मैंने जो है 50 पैकेट सर्फ के लेके आए थे जिसमें से 40 लगभग बिक चुके हैं, 10 रुपये के हिसाब से 400 का नोट वहाँ पे बन गया। तेल की बोतल आया था 15, तेल की बोतल बिकी 10, 15 रुपये के हिसाब से 150 रुपये सीधे वहाँ हो गए। हल्दी मिर्च का मैक्रोनी दाल दूल का सबका टोटल मिला के यही कोई 1000 रुपये की दिहाड़ी बन गई अपने 2-3 घंटे में ना। तो अभी जो मैंने लास्ट में आपको वीडियो दिखाई ना अभी बिल्कुल जो कचरी या अचार वाला था वो भी सेम मेरी तरह ही फेरी कर रहा है, और जो है उसमें मुझ में फ़र्क ये है दोस्तों कि उसने एक माइक लिया हुआ है चाइनीज, उसमें रिकॉर्ड कर ले कि उसने सारी आवाज़ की कचरी मैक्रोनी काली दाल धुली दाल इस तरीके से तेल रिफाइंड सब चीज़, और वो गांव-गांव जाता है उसे स्पीकर को ऑन कर देता है तो सबको सुनता है, तो जिसको लेना होता है उसके पास आ जाता है, यानी उसके पास लगे बंदे कस्टमर नहीं है। उसमें और मुझ में फ़र्क है, वो नगद की दिहाड़ी करता है और वो बेचारा अभी शाम तक घूमेगा, शाम तक जो भी 1000-1500 रुपये जो भी कमाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कम कमाएगा वो, शाम तक कमाएगा वो जो भी कमाएगा। उसमें कुछ फ़र्क ये भी है मेरे में, उसमें उससे तेल लगभग 10 रुपये लेते हैं 20 का भी, मेरे से 1 किलो की बोतल है सीधी 1 किलो ही दूंगा मैं तो, मुझे एक बोतल में 15-20 रुपये आराम से बच जाते हैं, और वो 10-10 रुपये का तेल बेचेगा क्या कमा लेगा। 10 रुपये की दाल ले लें उससे लोग बाग, मैंने आधी किलो के पहले ही पैकेट बनाए हुए हैं, किसी को लेने हो ले लो क्योंकि उदाहरण का चलता है मेरा कस्टमर के साथ, तो उसमें मुझ में ये फ़र्क है। मेरे पास रेगुलर कस्टमर है, दिन बंधा हुआ है हर जगह का, आज ये बुधवार था आज मैं इस गांव में आया हूँ, अभी ने पता है कि भाई अगले हफ्ते आएगा, उससे जो सामान ख़त्म हो गया है वो सामान भी लेना है और पैसे भी देने हैं उसके, तो सेटिंग बनी हुई है मतलब, तो मुझ में और उसमें ये फ़र्क है। अब जो है उसने गाँव जाता है वो, और अपना जो है जिसको जो सामान लेना कचरी वचरी उससे अचार वचार जो भी लेना है उसके पास आ जाते हैं, वैरायटी बहुत सारी है उसके पास भी, पर वह कि वो मुझसे ज़्यादा नहीं पैसे कमा पा रहा है और उसका बिजनेस आगे बढ़ने की मतलब संभावनाएं बहुत कम है उसका रेगुलर में, मतलब यही सिस्टम रहेगा। तो दिन नहीं बांधे हुए उसने कि इस हफ्ते यहाँ जाना उस हफ्ते वहाँ जाना, बस अपना इस गाँव में चला गया, जो भी बचा सामान बिका उसका बेच दिया, अब अगले गाँव चला जाएगा वहाँ बेचेगा, फिर अगले करीब रोज़ घूमता है मतलब सुबह से लेकर शाम तक बेचारा, और जो है उसमें मुझे यही फर्क है। देखो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है कि मैंने उधार नगद के हिसाब से कस्टमर बनाए हुए हैं अपने, वो उधार नहीं देता किसी को भी क्योंकि जब उसे कल आने का ही नहीं तो उधार नहीं देता
जिसे लेना है 10 रुपये का ले लो सामान चाहे 20 का। तो अभी सामान ये बचा है मेरे पास बस। दोस्तों लास्ट में आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यार थोड़ा अगर आप सपोर्ट कर दोगे ना, ये जैसे सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे, इससे क्या है यूट्यूब से अगर थोड़ा कुछ अर्निंग हो जाए ना मतलब मेरी, तो ये तो बिजनेस चल ही रहा है मेरा, मेरा बिजनेस ग्रो करने में मतलब मुझे आसानी रहेगी। बाकी वैसे भी कोई बात नहीं है, मर्जी आपकी, सब्सक्राइब करना चाहो कर दो, सब्सक्राइब करने में कोई लॉस तो है नहीं। आप जो है अगर थोड़ा सपोर्ट कर दोगे, जैसे सब्सक्राइब कर दिया आपने, आप मेरा साल 6 महीने तक सब्सक्राइब करके रखो, जब मुझे फिर जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा मुझे मेरी ऑडियंस मिल जाएगी जो मतलब मुझे देखना चाहती है ना। आप तो सपोज करो आपके सामने गलती से वीडियो आ गई, आप मुझे देखना नहीं चाह रहे, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दो और जो है बाद में अनसब्सक्राइब कर देना जब आपको दिखेगा ना कि हाँ भाई इसके 1000-1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं तब, और मुझे मेरी ऑडियंस मिल जाएगी धीरे धीरे करके। तो बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो। बाकी जो है मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं जो वीडियो डालता हूँ ना यूट्यूब पे, कि अब जब 10 साल बाद जब मैं देखूँगा ना ये सब कि मैंने ये बोला था इस तरीके से मैं गाँव में जाया करता था, तो मतलब अच्छा लगता है जब हम 10 साल पुरानी वीडियो देखते हैं, अपनी फोटो देखते हैं। अब मेरे पास जैसे फोटो पड़े हुए हैं बहुत पुराने बचपन के भी अपने, जब देखते हैं खुशी से होती है कि यार हम बचपन में ऐसे थे। तो जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा तो आदमी खैर बनना ही है, तो तब जाके मतलब मज़ा आएगा कि हाँ भाई मैं ऐसे काम किया करता था, लोगों को भी दिखाने में, और अपना जो है जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे टाटा बिरला जैसे, तो तब मज़ा आएगा। अब जो है धीरू भाई अंबानी के पास तो कोई इस तरह की वीडियो है नहीं, जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कि मैं पकौड़े बेचता था, ये वो करता था, अडानी के पास भी कोई इस तरह की वीडियो नहीं है, पर मेरे पास होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो चैनल तो कोई वो नहीं है, और मैं सब समझाऊंगा आपको कि मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बनने वाला हूँ, मतलब क्या मुझे बिजनेस की कोई भी सीढ़ी नहीं पता कि कैसे शेयर मार्केट वगैरह कुछ नहीं पता, ए टू जेड नील हूँ बिल्कुल। बस यह कि अपना ये फेरी का काम करते हैं बस। थोड़ा सा क्या है कि जो मतलब बिजनेस का वो है ना मेरा आगे बढ़ने का, कि मुझे लगता है कि मैं हाँ सक्सेस हो जाऊँगा, वो सिर्फ यहाँ से है कि अब जैसे मैंने ये अपना फेरी का काम किया हो गया, अब मैंने कमेटियाँ घेरी हुई है, कमेटी गिरते हैं ना 15 महीने की एक कमेटी होती है, 15 ही बंदे होते हैं उसमें, तो मैं उसमें से छुड़ा नहीं रहा हूँ अपनी कमेटी, तो सब छुड़ाते जा रहे हैं, वो तो कुछ घट्टे से लेते हैं वो लोग, आपको पता भी होगा कमेटी के में, तो लास्ट तक जो है 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है एक कमेटी पे। तो मैंने एक कमेटी गिर दी, तो 15 महीने में लगभग मुझे 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, वही 1200-1300 रुपये महीना की अर्निंग। अब देखो मेरा साइड बिजनेस बन गया एक, 1200-1300 रुपये मुझे यहाँ से आने स्टार्ट हो गए, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा मुझे, बस पैसे देने पड़ते हैं, भरोसे वाले आदमी है मेरे। आज एक कमेटी के रखी, फिर 2 गिर दूंगा, फिर 4 गिरूंगा, फिर 10 गिरूंगा, फिर 15 महीने है ना, 15 ही कमेटी गिर दूंगा, यानी हर महीने 20 हज़ार वहाँ से आना शुरू हो जाएगा, पैसे का पैसा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में लूँगा कमेटी में, और किस्त भी वहीं से एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे आज मेरी कमेटी कोई पूरी हुई, मेरे पास 1,20,000 आ गया वो रखा हुआ, और किस्त भी जैसे मेरी 50,000 रुपये आसपास बन गई, तो जो है उसमें से उठा के किस्त दे दिया करूँगा, या 1,00,000 रुपये भी किस्त बनेगी, तो इस तरीके से जो है मेरी 20,000 रुपये महीने का अर्निंग हो जाएगी। अभी फ्री करता हूँ मैं, कुछ यहाँ से कमा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा और पैसा बनेगा, उसको जो है सामान स्टॉक में लेना शुरू कर दूँगा, जैसे अभी दुकान से खरीदता हूँ, फिर एजेंसी से खरीद लूँगा, एजेंसी से 2 रुपये और सस्ता मिलेगा, तो बिजनेस मतलब पैसा लगता चला जाएगा। 20,000 रुपये कमा रहा हूँ इस तरीके से, फिर 25,000 बनेंगे, फिर 30,000 बनेंगे, और धीरे करके यही तो है मतलब सब कुछ अपने आप से सीखना है, और फिर आपको भी बताना है कि हाँ मैं कैसे सक्सेस हुआ। तो फ्रेंड बस अभी के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा और काम, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो दोस्तों जो है मैं यहाँ जंगल में खड़ा हुआ हूँ गांव के बाहर, यहाँ देखो कोई कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा ब्लॉग ख़त्म हुआ, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।